में हम बात करने वाले हैं वैभव ग्लोबल के बारे में. सो क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो द स्टॉक वाज अप बाय 4.49%. स्टॉक ने आज अपना इंट्राडे हाई समवेयर अराउंड 368 के पास लगाया था और वहां से हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा और स्टॉक ने फाइनली क्लोजिंग जो दी है वो 360 के बिलो दी है और 357.25 के आसपास ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है. तो ये जो 360 का लेवल है ये स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है. अगर आप ये स्टॉक में आपने ये यहाँ पे जब स्टॉक बेस फॉर्मेशन कर रहा था यहाँ पे अगर आपने स्टॉक को बाय नहीं किया है, ब्रेकआउट पे अगर स्टॉक को कैच करना चाहते हैं तो स्टॉक को 360 के ऊपर निकलने दीजिए और हाई वॉल्यूम्स होनी चाहिए उस वक्त. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था ये एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया था और फिर यही ब्रेकआउट जो आया है वहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है. वॉल्यूम्स अच्छी खासी ठीक ठाक वॉल्यूम्स हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं. ऑल्दो आज थोड़ी वॉल्यूम कम थी लेकिन वॉल्यूम्स अच्छी है वैभव ग्लोबल में. तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए. 360 के ऊपर निकलता है तो एक छोटा टारगेट समवेयर अराउंड 400 के ऊपर निकलता है तब आप हर 100 पॉइंट्स पे ये स्टॉक में अपना टारगेट बना सकते हैं. जहाँ पे आप अगला टारगेट होगा 500 के ऊपर निकलता है तो 600, अगर 600 के ऊपर निकलता है तो 700 तक के टारगेट्स भी आप ये स्टॉक में देख सकते हैं. अगर आप ये स्टॉक आप होल्ड करते हैं या आप ये कंपनी को फॉलो करते हैं तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा था और काफ़ी एक अपना पीक बनाने के बाद विच इज़ समवेयर अराउंड 1000 वहाँ से हमने देखा है स्टॉक में सिर्फ गिरावट ही हो रही है. लेकिन ये स्टॉक जो है काफ़ी हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है. जब ये अपमूव देता है तो बेहतरीन शानदार अपमूव देता है. ये स्टॉक काफ़ी भागता भी है और इससे ये मैं कहना चाह रही हूँ कि स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मूवमेंट ऑन दी अपसाइड एज वेल एज़ ऑन द डाउनसाइड काफ़ी एक्सट्रीम होती है ये स्टॉक में. तो अगर आप ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करिए. बेसिकली ज्वेलरी एक्सेसराइज बनाने वाली ये कंपनी है. फंडामेंटली तो कंपनी काफ़ी अच्छी है लेकिन अगर आप यही सेक्टर में कोई सेफ जो लेस वोलेटाइल स्टॉक हो, इसी तरीके का बिजनेस मॉडल हो तो आप टाइटन को भी कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन आप थोड़े रिस्क टेकर हैं, थोड़ा मोमेंटम या वोलेटिलिटी से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती तब आप वैभव ग्लोबल को भी कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए बिकॉज जब ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था वो 2022 का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कोई स्टॉक में अगर नज़र आया था तो वो था वैभव ग्लोबल. तो ये एक पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए और काफ़ी टाइम से जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था तो अब थोड़ी रिकवरी आ रही है ये स्टॉक में. डेफिनेटली फोकस में रखिए इस स्टॉक को. और बस एक छोटी सी अपडेट थी, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट.